बिहार में शराब पहुंचाने के लिए तरह तरह के हरकंडे अपना रहे हैं शराब कारोबारी। एक और मामला सामने आया है, जी हां, दरभंगा में। इस बार कारोबारी ने यात्री बस के माध्यम से बिहार में शराब बेचने की योजना बनाई, लेकिन दरभंगा पुलिस की नज़र से नहीं बच पाया। पुलिस ने गुवाहाटी से समस्तीपुर आ रही लग्जरी बस को दरभंगा जिला के नेशनल हाईवे NH 57 पर जाँच की तो शराब माफियाओं की एक बड़े शातिर दिमाग का खुलासा हुआ। यात्री बस से 300 लीटर जहां शराब बरामद किए गए, वहीं यात्री के रूप में बैठे दर्जनों कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में प्रभारी SSP सह सिटी SP योगेंद्र कुमार ने बताया कि बस को रोक कर जब इसकी जांच की गई तो उसने भारी मात्रा में उसमें शराब बरामद किया गया। शराब कारोबारी लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं।